नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। सोनारी स्थित खूटाडी आरएमएस स्कूल द्वारा पिछले दिनों फीस में वृद्धि कर दी गई थी, जिसके विरोध में जमशेदपुर अभिभावक संघ द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक से कार्रवाई करते हुए फीस वृद्धि को वापस लेने की मांग की थी, जिसके आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक ने बुधवार को अपने कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता की, जिसमें स्कूल प्रबंधन, अभिभावक संघ के प्रतिनिधि मंडल मौजूद थे, जिसमें अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक ने स्कूल प्रबंधन से पिछले वर्ष दिए गए फीस में 10% वृद्धि कर लेने का निर्देश दिया, जिसका सभी ने स्वागत करते हुए इस निर्णय पर खुशी व्यक्त की। अधीक्षक इस निर्णय के बाद जमशेदपुर अभिभावक संघ अति गरीब परिवार की सूची बनाकर जिला शिक्षा अधीक्षक को सौंप देगा, जिसके आधार पर अभिभावकों से फीस ली जाएगी। मामला ये है कि आरएमएस खूटाडी हाई स्कूल द्वारा पिछले सत्र की अपेक्षा इस सत्र में 35% ट्यूशन फी में वृद्धि कर दी गई थी। स्कूल के अभिभावक इसके विरोध में आंदोलनरत थे पिछले 6 महीना से, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। अभिभावकों की मांग पर जमशेदपुर अभिभावक संघ उनके समर्थन में आगे आया और लगातार उनके साथ आंदोलन किया, और आज जो है जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय द्वारा स्कूल प्रबंधन के साथ साथ स्कूल के अभिभावक और जमशेदपुर अभिभावक संघ के प्रतिनिधि को वार्ता के लिए बुलाया गया था, और यह निर्णय अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में जो सामने आया है कि वैसे अभिभावक जो वाकई में आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे हैं कमजोरी का, और उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनका नाम लिस्टिंग करके दिया जाए, अभिभावक लिस्टिंग करके दें जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय को, और उनसे मात्र पिछले सत्र की अपेक्षा, पिछले सत्र में 930 रुपया था, तो इस सत्र में मात्र 10% ही यानी 93 रुपया बढ़ा के लिया जाएगा। और ये सहूलियतें हैं, अभिभावकों ने इसका समर्थन भी किया कि वो 10% पहले भी देने के लिए तैयार थे, और अभी जो है उनकी मांग के अनुसार जो है निर्णय भी आने पर काफ़ी खुश हैं और वो देंगे भी। तो हम लोग लिस्टिंग करके जो है कल जिला शिक्षा महोदय को सभी नामों को हम लोग लिस्ट करके देंगे। कौन कौन सा स्कूल है? आरएमएस खूटाडी का ही मामला था अभी, और आगे जो भी स्कूल के अभिभावकों की परेशानी सामने आएगी, जमशेदपुर अभिभावक संघ हमेशा उनके साथ खड़ा नजर आएगा। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।